श्रीवृंदनदेतालं वृंदारण्य पुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरुंदजलायताक्षिं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनायमहं वसुदेवसुवनं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासकरणं विकसितनलिनाशयं विश्वनन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिंदी पुलिमेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सर्व जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगपानी। ये सब हमने निर्माण किया, हमने बनाया और हमारे बाद उजड़ जाएगा, ऐसा हम चाहे इन शब्दों में न कहें पर इन भावों में तुम बहुत बार बोलते हैं। मैं तो बोला करता हूं औरों के बाद भगवान जा रहे। तो ये मूर्खता, ये जड़ता इस बात को बतलाती है कि वो आज्ञाकारी सेवक की के स्थान पर स्वयं मालिक बनना चाहता है, भगवान के अधिकार को छीनना चाहता है। और वो ऐसे जबरदस्त हैं कि छिन्नी विन्नी देते नहीं अपने अधिकार को, मार थप्पड़ ऐसे जोर से लगाते हैं कि सारा का सारा अभिमान चूर्ण हो जाता है क्षण भर में। बड़े बड़े अभिमानी प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो, प्रहलाद ने स्तवन में पहले कह दिया, स्तवन में प्रहलाद ने कहा महाराज क्या मांगू मैं, जिसके द्रौपदी की बंकिमा को देखकर कहीं टेढ़ी भों हो गई तो देवताओं के प्राण हिल जाते थे, कांप जाते थे, न मालूम क्या होगा, जिसकी रुचि का पालन करने के लिए सारे देवता सदा तत्पर रहते थे, सारे ऐश्वर्य जिसके चरणों में लौटते थे, जो सबका एकमात्र स्वामी था, उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई है, ये दशा तो होगी, मैं मांगू क्या महाराज, क्या मांगू मैं। तो ये दशा होने वाली है, हम बनना चाहते हैं स्वामी, हम बनना चाहते हैं उसके संचालक, हम बनना चाहते हैं कर्ता, बन तो पाते नहीं, सारा छिन जाता है, पर हमने जबरदस्ती बेईमानी की इसका। वो हमारे यहाँ पहले उस बार में स्वामी मंगलनाथ जी महाराज थे, बड़े महात्मा रहे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो कोई एकाध मुकदमा उकदमा उनके जिम्मे आ गया था कोई भगवान की प्रेरणा से, वो मुकदमे का उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे कि भाई तुम देखो, यहाँ तुम दूसरे की संपत्ति पर मालिक बनना चाहते हो, तुम्हें संपत्ति दी गई है संभाल के लिए, सेवा के लिए, और तुम संभाल सेवा की जो कर्तव्यता है उसे छोड़कर तुम स्वामी ही इसके बन जा बनना चाहते हो, परिणाम क्या होगा, स्वामी रह नहीं सकोगे, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा
और बेईमानी का मुकदमा चलेगा, जेल होगी। तो ठीक यही बात है, जगत के पदार्थों को, प्राणियों को हम अपना अपना माने हुए हैं, मेरा मेरा माने हुए हैं, और उसका परिणाम जो है वो बंधन है, बार बार बंधन है, बार बार बंधन है। इसलिए बस ये बड़ी सुंदर बात हमें तो याद रखने का सूत्र उन्होंने बता दिया कि सब का सब दुकान शेर चलाते हैं, ये सूत्र याद रखे। तो कल वाला जो अपना था वो प्रसंग, वो इसी में समाप्त हो जाता है। जो आदमी ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे पास रहनी चाहिए, वो मरने के लिए तैयार नहीं। मरते समय वो दुखी निश्चित होगा, निश्चित होगा, जीवन भर चिंता भूखता रहेगा और मरने के बाद नरक में जाएगा। और जिसने ये कर दिया कि सब दुकान से चलाते हैं, अपने तो उनका सौंपा हुआ काम करते हैं, बड़ी सुंदर चीज है। एक कोई एक अफसर है मान लीजिए, उसके जिम्मे एक डिपार्टमेंट का, एक महकमे का, किसी एक नगर में काम है, उसके जिम्मे बहुत सी चीजें हैं, और उसके पास एक पद है जिसका अधिकारी होके वो काम करता है। अब वो उस गवर्नमेंट का, उस मालिक का वो कर्मचारी है, और उसके आज्ञानुसार, उसके कानून के अनुसार अपने को पदाधिकारी कहता मानता हुआ, सरकार की तरफ से पूरी सही करता हुआ, हस्ताक्षर करता हुआ, ये चीज हमारी है यूं कहता हुआ सब काम करता है, और किसी भी चीज को अपनी मान सकता नहीं। अगर मानता है तो बेईमानी, भ्रष्टाचारी आजकल शब्द बना है, बेईमान। तो उसके पास दो चीज है, अपना पद है और संभालने की चीजें हैं। अगर वो दो चीजें उसकी अपनी नहीं है तो मालिक चाहे जब उसका ट्रांसफर कर दे, तबादला कर दे कहीं, और मालिक चाहे जब उसके जिम्मे की चीज को दूसरी जगह भेज दे जहां आवश्यकता हो, तो चीजों का कहीं भेज देना, उसका तबादला कर देना, ये उसके लिए क्या दुख की चीज होगी? वो तो मालिक का नौकर है, चाहे वो हरिद्वार में रहे और चाहे वो दिल्ली भेज दिया जाए, चाहे वो कानपुर भेज दिया जाए, और उसके पास जो चीजें थी वो अगर दूसरी जगह आवश्यक है तो उस पर ऑर्डर आ जाए कि इन चीजों को तुम वहां भेज दो, तो उसको कोई रोना नहीं है। एक मालिक के मान लीजिए 10 जगह उसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, एक बैंक की 20 जगह शाखाएं हैं, बैंक के अलग अलग शाखाओं के मैनेजर हैं, अपना काम करते हैं, सही करते हैं बैंक के नाम से, भला बैंक के नाम से उनको अधिकार प्राप्त है, सारा बैंक का व्यवहार चलाते हैं। लेकिन अगर हेड ऑफिस के आगे आ जाए इतना रुपया तुम हमको ऑफिस में ट्रांसफर कर दो, तो क्या वो रोएगा? क्या वो दुखी होगा कि अरे अरे हमारा रुपया कहाँ चला गया? उसे तो हेड ऑफिस के आज्ञा के अनुसार, मालिक के आज्ञा के अनुसार रुपया आवे तो संभालना और मंगावे तो भेज देना, जब तक पास रहे तब तक संभाल रखना, और अपने लिए भी जब ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए तो बोरिया बंधना, ये लोग सब तैयार रखते हैं, बोले न मालूम कब ट्रांसफर का ऑर्डर आ जा, तो यहाँ अगर बंधे रहेंगे तो मुश्किल होगी, हिसाब किताब सारा नक्की, बैलेंस शीट तैयार, अब बुलाता है बोले हाँ अब तैयार, चाहे जब आ जाए ट्रांसफर। इसी प्रकार से इस जगह ये जो संसार है ये हमारा नहीं, ये संसार की वस्तुएं हमारी नहीं, ये घर के जितने भी ये सदस्य हैं ये सब हमारे नहीं, ये सब सदस्य, ये सारे प्राणी, सारे पदार्थ हमको प्राप्त हुए हैं मालिक की ओर से सेवा संभाल करने के लिए। अगर हम सेवा संभाल करने में कर्तव्य का की अवहेलना करते हैं, चूक करते हैं, तो हम मालिक के नमक हराम नौकर हैं, और मालिक की संपत्ति को अपना मान लेते हैं तो बेईमान है। तो जो बेईमानी नहीं करता, नमक हरामी नहीं करता, वो हमेशा तैयार, जब ट्रांसफर कर दे तो हाजा भेज दे,
उस चीज को ट्रांसफर कर दे। तो जो ऐसा है वो तैयार, अर्थात जो ये मानता है कि दुकान सेठ चलाते हैं, हम नहीं चलाते, हम तो उनके आज्ञा अनुसार केवल काम करते हैं। जब तक यहाँ वो रखते, यहाँ रख, यहाँ रहते हैं, भेजेंगे कहीं पर, हमें तो रहना उनकी सेवा में है। ये भक्त लोग जो है ना, ये बड़े विलक्षण होते हैं। ये भक्त लोग कहते हैं कि हमें महाराज मुक्ति उक्ति दे दोगे आप, तो मुश्किल होगी, सेवा नहीं मिलेगी। मुक्ति आप दे देंगे कहीं हमको, तो सेवा से वंचित होना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, ये मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने कहना सहज है। हम लोग तो मुक्त नहीं है संसार के मामूली मामूली भोगों की कामना से। हम लोग मोक्ष की कामना के त्याग की बात क्या जाने, हम लोगों को तो मोक्ष का पता ही नहीं है। लेकिन बात क्या है, जो भगवान के सेवक हैं, जिनको भगवान का सेवाधिकार प्राप्त है, ऐसे जो महापुरुष भक्तजन हैं, वो जगत से मुक्त हैं। ये दो बात ध्यान में रखने की, भला जगत की गुलामी और भगवान की सेवा दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहुं के रह सके रवि रजनी एकठाम। जैसे सूर्य और रात्रि, ये दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। अगर सूरज है तो रात नहीं, और रात है तो सूरज नहीं। इसी प्रकार जहाँ काम तहाँ राम नहीं, पर राम काम, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। अर्थात जहाँ भगवत विहीन संसार है, वहाँ उसके लिए भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वह संसार भी भगवत रूप है। तो ये जो भक्त होते हैं, ये मुक्त होते हैं। भला जो भक्त मुक्त नहीं है, उनकी भक्ति में जरा कसर है। मुक्त होने का अर्थ क्या है, संसार की वासनाओं से वे मुक्त हैं, संसार की कामनाओं से वे मुक्त हैं, संसार के भोगों की वासनाओं से वे मुक्त हैं। वे तो अगर बंधे हुए हैं कहीं पर, तो भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं। उनको जगत में कुछ नहीं चाहिए, और भगवान के साथ उनका स्वाभाविक सहज स्नेह है। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के घर बताए, बोले महाराज ये घर आपके लायक है, इसमें आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये आपके योग्य है। आपका घर तो नहीं है, पर ये आपके योग्य, यहाँ आप रहिए, ये घर भी उत्तम, ये घर भी आपके लायक, ये भी लायक, ये भी लायक। भगवान ने कहा मन ही मन को, ऐसा घर तो बतावे यार ये, कि जो हमारे घर जिसमें बसे रहे हमेशा। तब अंत में कहा, चाहे न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सोरा उर निज गेह। चाहे न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सोरा उर निज गेह। अब कहा मुनि ने कि महाराज हम आपको अपना घर बताते हैं, जहाँ से कभी आप निकाले नहीं जा सकते। बोले बहुत दिन रहते हो गए, भाड़ा बढ़ाएंगे, कानून बदलवाना चाहते हैं, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं आपका घर है, उस घर में आप बसो निरंतर, एक दो दिन के लिए नहीं, वर्ष दो वर्ष के लिए नहीं, सदा के लिए आप उस घर में बस जाइए, क्योंकि आपका घर है। तो वो कौन सा आपका घर है, तो जाहि न चाहिए कबहु कछु और तुम सन सहज सनेह। वाह, इस आधे दोहे में सारी भक्ति का स्वरूप बता दिया। जाहि न चाहिए कबहु कछु, किसी अवस्था में भी, न धन के भाव में वो धन की आकांक्षा करता है, न विपत्ति में पड़ने पर विपत्ति से त्राण करने के लिए पुकारता है, न वो बंधन का अनुभव करके मोक्ष की इच्छा करता है, न वो नरक में जाकर वहां से मुक्त करने के लिए भगवान से कहता है, कुछ नहीं। किसी अवस्था में कुछ भी जिसको नहीं चाहिए, तो फिर उसका संबंध क्या है।
तुम सन सहज सनेह, सहज सनेह, जिस स्नेह में, जिस प्रेम में कहीं किसी प्रकार का कोई हेतु है, कोई कारण है, वो प्रेम प्रेम नहीं, वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो अहेतुक प्रेम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात, वो कहते हैं महाराज हमारे में एक जड़ता है, ये मानव मात्र की ओर से बोलते हैं तुलसीदास, हम लोगों की ओर से कहते हैं, फिर अपनी बात कहने लगेंगे। वो कहते हैं कि महाराज यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जिय की जड़ताई, मेरे जीवन में मेरे हृदय में एक जड़ता आ गई, मूर्खता आ गई। तो क्या मूर्खता आ गई? और आस विश्वास भरोसो, दूसरे की आशा, दूसरे पर विश्वास और दूसरे का भरोसा, ये मेरे हृदय की जड़ता है। इस जड़ता को आप हर लीजिए, महाराज जी मेरी प्रार्थना है। तो भाई जड़ता को हर के चाहते क्या हो? बोले बस ये जड़ता न रहे, जहाँ पर ये आशा विश्वास भरोसा किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी अवस्था में, किसी व्यवस्था में, किसी स्थिति में, किसी वस्तु में है, आशा भरोसा विश्वास वहाँ तक जड़ता है। तो कहा फिर तुम क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो, सदगति चाहते हो, सदबुद्धि चाहते हो, रिद्धि सिद्धि चाहते हो, और जगत में सबके लिए जो लोभ की वस्तु है कि मेरा नाम रहेगा, ये बड़ाई चाहते हो? तो कहा नहीं। चहो न सुगति सुमति संपति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, चहो न सुगति सुमति संपति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकारी। जिस सुगति में भगवत प्रेम न हो वो सदगति नहीं चाहिए, वो सन्मति नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए, वो रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए और वो विपुल बढ़ाई नहीं चाहिए। चाहिए केवल ये हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। अहेतुक अनुराग, बिना किसी हेतु का प्रेम भगवान राघवेंद्र के चरणों में निरंतर मेरा बढ़ता रहे, अनुदिन बधिकाई, रुक न जाए। ये सिद्धांत प्रेम का है कि वो रुकता नहीं, घटता नहीं, मिटता नहीं, वो तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण जो बढ़ने वाला भाव है परम त्याग का, उसी से परम स्नेह की उत्पत्ति होती है, वो अनुदिन बढ़ता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि निरंतर दिनों दिन बढ़ता रहे मेरा प्रेम भगवान में, अहेतुक ये मैं चाहता हूँ। तो इसलिए भक्त के हृदय में किसी वस्तु की चाह नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, इसलिए वो मुक्त है। भक्त मुक्त होता है, भक्त बंधन में नहीं आता। उसकी विशेषता एक और है कि भक्त भगवान को बंधन में ले आता है। भक्त स्वयं तो मुक्त होता है, भक्त स्वयं मुक्त होता है, जीवन मुक्त भगवान को नहीं बांध सकता, ब्रह्म ज्ञानी भगवान को नहीं बांध सकता, वो तो भगवान में जाके विलीन हो जाता है। पर ये भक्त, ये प्रेमी, ये भगवान को बांध कर न चाहता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर घामे, जाही अरंत अखंड अभेद छेद छिद सुद बतावे, नारद से सुख व्यास रखे पचिहार तऊ पुनि पारन पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछत नाच नचावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछत नाच नचावे। लल्ला उठाओ पीढ़ा, यशोदा मैया के संवयस का माता है, वृद्धा वात्सल्य मई गोपिकाएं यशोदा के पास आके खड़ी होंगी, रोज होती थी
बड़ा आनंद ब्रह्मानंद कोई वस्तु नहीं। हाथ में कि किसी ने छाछ ली, किस छाछ में से जब वो लौंदा निकाल लिया, बोले देख लल्ला लौंदा तैयार है ये छाछ का, ये मक्खन का, ये मिलेगा। हाँ बोले मैया दे दे, बोले ऐसे नहीं मिलेगा, वो जरा पीढ़ा उठा के लाओ। तो अब ये ब्रह्मज्ञानियों के लिए, बुद्धिवादियों के लिए बड़ी लज्जा की बात, वो समझ में नहीं आती कि या तो जगत है ही नहीं, और यदि है तो उनके संकल्प पर विद्रत है। अनंत अनंत कोटि जगत जिनके संकल्प पर विद्रत है, खड़े हुए हैं आकाश में अकारण, ऐसे ही वो भगवान उनको कहे पीड़ा उठा के लाओ, उनका इतना अपमान, वो अपमान नहीं मानते, जाते हैं। अब पीड़ा उठता नहीं, ये और देखिए भगवान पीड़ा उठा नहीं सकते, उठाते हैं उठता नहीं तो शर्मा जाते हैं, यूं देखते हैं माँ की तरफ, देखिए क्या कहेंगी, उठा नहीं पीड़ा, और कहीं कह देगी लौंदा नहीं मिलेगा तो डर जाते हैं मन में, फिर चेष्टा करते, फिर छाती का बल लगा के उठाते हैं, उधर से उत्साह मिलता, हाँ 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 लाला उठाओ, अब क्यों उठ जाने से जोर चलेगा। मालूम होता है यशोदा मैया ने मक्खन तुम्हें खिलाया नहीं, सवेरे कम दिया, हाँ 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 मैया ने कम मक्खन दिया है मुझको, तभी तो नहीं उठता। माखन का लोग उठाए थे धीरे धीरे लिए करके आते हैं। अब वो जब पास आ गए, बोले ला लो ना भाई जरा नाचो, नाचोगे तो मिलेगा। अब जिनकी माया शिवग्रंथि को नचाती हमेशा, वो भगवान स्वयं वहां नाचते हैं, नाचते हैं, नाचने लगते हैं भगवान, बड़े मजे में नाचते हैं। तब उन्हें वो अहिर की छोहरियां, अब उनका नंबर आता है, ये तो माताएं थी, तो छोहरियां आती हैं, उनकी तो अलग चीज है, वो सब कुछ मन सब कुछ नचाती। तो ये विशेषता एक ये है, भक्त मुक्त होता है पर भक्त भगवान को बांध लेता है, भक्त के बंधे हुए भगवान सब कुछ करने को तैयार। कहीं भक्त कह दें कि आपको ये करना पड़ेगा, हाँ भाई पड़ेगा, तुमने कह दिया ना, भीष्म ने कह दिया, अगर अगर तुम्हें कल मैं हथियार उठा दूं तो मैं गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का जाया नहीं, कृष्ण तुम्हारे बल पर कल तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटेगी। भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा यही होगा। जो स्वयं महाकाल स्वयं कहते हैं कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, वे महाकाल बैठे हुए रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के रश्मियां पकड़े हुए, और भीष्म के वो भीषण बाण आते हैं, जर्जर हो जाता है भगवान का शरीर भी, और अर्जुन तो सर्वथा हतप्रभ हो जाते हैं, शक्ति शून्य से हो जाते हैं, अचेतन से होते हैं। जब देखा अर्जुन को, निमित्त बना अर्जुन, प्रतिज्ञा तो भीष्म की थी, उतरे भगवान रथ से, उठाया एक चक्का, योग घुमाया, सुदर्शन चक्र बन गया, दौड़े भीष्म का महाराज जाओ, ये मौत तो बड़े खुश नसीबों को मिलती है, चलो गिराओ मुझे नीचे, ये मौत मुझे कब मिलेगी, आओ नाथ आओ आओ। अर्जुन पीछे से आए, अर्जुन ने दौड़ करके पैर पकड़ लिया, महाराज लड़ूंगा मैं, बोले नहीं नहीं तुम नहीं लड़ सकते, मैं सबको ध्वंस कर दूंगा आगे, बोले नहीं महाराज मैं लड़ूंगा। ये भगवान का बंधन, तो जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठ बांध्यो सकत न छोड़ी। जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठ बांध्यो सकत न छोड़ी। जबरदस्ती पकड़ के बांध लिया भैया, वो अविच्छिन्न परिच्छिन्न ब्रह्म जो थे, वो जरा सी डोरी में उनकी कमर आ गई, बंध गया, छुड़ा नहीं सकते। जिनके नाम ले रहे मां नाना भास से,
बड़े बड़े पापियों के बंधन टूट जाते हैं, वो भगवान ऐसे बंध गए उस प्रेम यशोदा मैया की प्रेम की डोरी से, अपने आप छुड़ाने में समर्थ हो गए, पकड़ लिया हाथ माने। वो दृश्य भागवत का बड़ा मधुर हाथ पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ लिया और एक हाथ में दे, छड़ी लेके डरा रही है। अब वहां का भगवान की झांकी कोई देखे तो एक तो वो श्याम सुंदर थे ही, यद्यपि उनका उनका जो श्याम सुंदर रंग था वो काला होने पर भी बहुत से कालों को उजला करने वाला बलिहारी वा प्रेम की गति नहीं समझे कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये उसकी महिमा, सारे कालों को वो सफेद कर दे और स्वयं काला रहे, ये उनका मनमोहन रूप तो काला श्याम सुंदर। उस पर माँ ने फिर काजल लगा दिया था आंखों में, और अब आप रोए आंसू बहे, तो वो श्याम ललित श्याम रक्ताभ भगवान के गंड मंडल पर, भगवान के कपोलों पर, और वो काजल की धारा बह करके आई। काजल की धारा बह रही है, वो डर रहे हैं हाथ से, एक तुम्मा पकड़ी हुई है, तो एक छड़ी, यूं देखते हैं, यूं डरते हैं। जिनके भय से यमराज भयभीत रहते हैं वो भगवान डर गए, डरे हुए से भयभीत से हुए भगवान, और कांप रहे हैं, देखते ये क्या हो गया। यशोदा डर गई, कह रहे बच्चा बहुत डर गया, कहीं कुछ हो गया इसको तो बड़ी मुश्किल होगी, तू बड़ी बड़ी तू खराब है, ये क्या बच्चे को डरा है अपने आप, पहले तू कहा सखियों ने तो नहीं मारा, गोपियों ने कहा। अरे यशोदा कर क्या रही है, लकुट करते डार, छोड़ इस लकुटी को, इस श्याम सुंदर को तो डराने जा रही है, दया मया नहीं आया, क्या हो गया, तो मक्खन खा गया, क्या हो गया, तो कुछ चोरी कर, हो गया नहीं मानी, तो अपने आप डर गए। अरे राम राम राम, बच्चा देखो कांप रहा है ना, कि कुछ हो गया तो। ये भगवान भक्तों के इतने बंधन में आ जाते हैं कि अपनी सारी की सारी महिमा को अपने आप ही उठा के ताक पर रख देते हैं, महिमा में रहते हैं, महिमा जाती नहीं कहीं, उनकी महिमा कहीं ताक पर रखी नहीं जाती, पर लोग देखते हैं ताक पर रख दी। पहले तो इसी अध्याय में आता, भगवान को बड़े जोर की भूख लगी, कहीं आप्त काम को भूख लगती है क्या, पूर्ण काम को भूख लगी, और भूख से बीच में माँ ने छुड़ा दिया दूध पीना, तो गुस्सा आ गया तो मटके फोड़ डाली, फिर डर लगा तो भागे कोठरी में घुस गए, डर आया, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, भय आया, घुस करके फिर अंदर जा करके देखा कि माँ तो है नहीं, और ये तमाम छींके पर बढ़िया बढ़िया मक्खन रखा हुआ है, तो चोरी से खाने लगे, फिर घर बिगाड़ने की बात आई, खाया ही नहीं, ले लेके तमाम बंधनों को फेंकने लगे, क्या रामावसा के उतार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर किया तो सही ना। इसके बाद जब माँ आई तो भागे और बांध लिया तो रोए, अब बताइए कौन सी महिमा बाकी रह गई इनकी। पर ये यही तो बड़ी महिमा है, ये महिमा क्या है, भगवान दिखलाते हैं कि मैं कितना भक्त के वश में होता हूँ, कि भक्त के लिए स्वयं बंधन में आकर के, जैसे बंधन में पड़ा हुआ प्राणी सब कुछ करता है मजबूरी से, उसी प्रकार में स्वेच्छा से, स्वलीला से, मजबूरी से नहीं, प्रेम की मजबूरी तो जरूर है, प्रेम वश होकर के मैं ये करता हूँ, तो भक्त जो होते हैं ना, ये मुक्त होते हैं, बात ध्यान रखनी चाहिए। जो भक्त संसार से मुक्त नहीं, जो भक्त कामना वासना आसक्ति ममता का दास है, वो भक्त नहीं है, ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए, उसकी भक्ति में कसर है। भक्त तो वो है जो सब कुछ भगवान को सौंप कर भगवान का हो गया, कुछ रहा ही नहीं, न शरीर अपना है, न अपना मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, मन हो तो सोचे, बुद्धि हो तो विचार करे, उसने अपना मन, अपना तन, अपनी बुद्धि सब दे दिया,
फिर किसकी वासना रहे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख यात्रा कर्म ग्रहण भवेत। ये कहा कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की, भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अंकुर नहीं पैदा होता।